दोस्तों बॉलीवुड में एंट्री के लिए एक आउटसाइडर को बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है। आउटसाइडर्स को कई सारे छोटे मोटे रोल्स करने के बाद जाकर कहीं लीड रोल करने का मौका मिलता है। आज की इस लाइफ स्टाइल वीडियो में हम ऐसे ही आउटसाइडर अरशद वारसी की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, शायद आपको अरशद के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चलें जो आप ना जानते हो। और अगर आपको अरशद पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों अरशद वारसी का जन्म 19 अप्रैल 1968 को मुंबई में हुआ था और 2020 के हिसाब से इनकी उम्र हो चुकी है 52 साल। इन्होंने अपनी स्कूलिंग बैरन्स स्कूल एंड जूनियर कॉलेज नासिक मुंबई से की है। अरशद को बचपन से पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। वे जब छोटे थे इन्हें तब से एक्टिंग में काफी इंटरेस्ट था और वे दूसरों की मिमिक्री भी बहुत अच्छी कर लेते थे। अरशद पेशे से एक प्रोड्यूसर, एक्टर, स्क्रीन राइटर, प्लेबैक सिंगर, कोरियोग्राफर और टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अरशद वारसी के कैरियर के बारे में। अरशद एक गरीब घराने से थे और अपने घर के खर्चे पूरे करने के लिए वे सिर्फ 17 साल की उम्र में काम की तलाश में बाहर निकल पड़े थे और बहुत कोशिशों के बाद इन्हें एक सेल्समैन की जॉब मिली थी। कुछ वक्त सेल्समैन की जॉब करने के बाद इन्हें एक फोटो लैब में काम करने का मौका मिला और कुछ टाइम यहाँ काम करने के बाद इन्होंने ये काम भी छोड़ दिया। अरशद ने बचपन में इतनी मूवीज देखी थी कि इन्हें डांस की खूब पहचान थी और आगे चलकर इन्होंने एक डांस ग्रुप ज्वाइन कर लिया जिसका नाम था सैमीज डांस ग्रुप। और ऐसे धीरे धीरे करके वे आगे बढ़ते गए और बॉलीवुड तक जा पहुंचे। इनको पहली बार 1987 में ठिकाना और काश मूवी में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम मिला। असिस्टेंट डायरेक्टर की नौकरी के बाद अरशद को बैकग्राउंड डांसर बनने का मौका मिला। 1989 में इन्होंने आग से खेलेंगे मूवी के गानों में एज अ बैकग्राउंड डांसर परफॉर्म किया था। इसके बाद इन्होंने 1993 की बॉलीवुड मूवी रूप की रानी के सॉन्ग्स में एज अ बैकग्राउंड डांसर काम किया था। अरशद को पहली बार 1996 में बॉलीवुड मूवी तेरे मेरे सपने में एक्टिंग करने की ऑफर मिली और इन्होंने वो ऑफर तुरंत ही कबूल कर ली। और 1996 में इन्होंने तेरे मेरे सपने मूवी से डेब्यू किया और ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर सक्सेसफुल साबित हुई थी। अरशद की डेब्यू मूवी की कामयाबी के बाद इन्हें हर आए दिन किसी न किसी मूवी की ऑफर मिलती ही रहती थी। 2001 में अरशद ने मुझे मेरी बीवी से बचाओ मूवी में लीड रोल प्ले किया था लेकिन ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट ना हो पाई। अरशद के कैरियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है मुन्ना भाई MBBS। इस मूवी ने बड़े पर्दे पर आते ही धूम मचा दी थी। इस फिल्म में अरशद ने सर्किट का रोल प्ले किया था जिसे देखने वालों ने बेहद पसंद किया था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था जो कि उस वक्त के हिसाब से एक बहुत ही बड़ी रकम थी। इस मूवी को अरशद वारसी के कैरियर का टर्निंग पॉइंट भी कहा जा सकता है। 2005 में अरशद की मूवी कुछ मीठा हो जाए रिलीज हुई थी लेकिन ये मूवी बड़े पर्दे पर एक डिजास्टर बनकर सामने आई थी। अरशद ने अपने कैरियर में ज्यादातर कॉमेडी मूवीज में काम किया है। 2006 में वे रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल फन अनलिमिटेड मूवी में नजर आए थे और ये मूवी भी उस वक्त की ब्लॉकबस्टर मूवीज में से एक थी। अरशद के कैरियर की दूसरी ब्लॉकबस्टर मूवी थी जॉली LLB जो कि रिलीज हुई थी 2013 में और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर आते ही धूम मचा दी थी। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 50 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। अरशद 2019 में टोटल धमाल मूवी में लीड रोल प्ले करते हुए नजर आए थे। ये मूवी इनकी 2007 में रिलीज होने वाली मूवी धमाल का पार्ट 3 थी और पार्ट 1 और पार्ट 2 की तरह इस फिल्म का तीसरा पार्ट भी बड़े पर्दे पर सुपरहिट साबित हुआ था। इसके अलावा अरशद वारसी ने काफी सारे शोज भी होस्ट किए हैं जिनके नाम है राजमटाज और बिग बॉस सीजन 1। अरशद ने अपने कैरियर में बहुत सारी हिट मूवीज की हैं जैसे मुन्ना भाई MBBS, गोलमाल, धमाल, जॉली LLB और टोटल धमाल। दोस्तों आपको इनकी कौन सी मूवी पसंद है ये हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों आपको मिलवाते हैं अरशद की फैमिली से। इनके पिता का नाम है अहमद अली खान, अरशद का एक भाई और एक बहन भी है जिनके नाम है अनवर और आशा, अरशद की बीवी का नाम है मारिया और इनका एक बेटा और बेटी भी है जिनके नाम है जीके और जोई। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अरशद के अवार्ड्स के बारे में।
अर्शद को कई सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, जिनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अर्शद की इनकम की। अर्शद एक मूवी करने के 3 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इनकी ज्यादातर इनकम इनकी ब्रांड एंडोर्समेंट से आती है, जिनके वे 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा इन्होंने काफी सारी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, इनसे भी इनकी अच्छी इनकम होती है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अर्शद की नेटवर्थ की। इनकी नेटवर्थ है 270 करोड़ रुपए। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अर्शद के घर की। अर्शद अपनी फैमिली के साथ वीएल मेहता रोड जुहू मुंबई में रहते हैं। अर्शद के घर में एक आलीशान स्विमिंग पूल, एक बड़ा किचन, 8 बेडरूम्स और एक गार्डन है। और इनके इस घर की कीमत है 30 करोड़ रुपए। और इन फोटोज और वीडियोज में आप अर्शद के घर की कुछ झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं अर्शद की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास एक वोक्सवैगन बीटल कार है, जिसकी प्राइस है 30 लाख रुपए। इनके पास एक ऑडी Q7 भी है, जिसकी कीमत है 90 लाख रुपए। अर्शद के पास एक हार्ले डेविडसन बाइक भी है, जिसकी कीमत है 20 लाख रुपए। इसके अलावा अर्शद के पास एक डुकाटी मॉन्स्टर 797 डार्क एडिशन की बाइक भी है, जिसकी कीमत है 10 लाख रुपए। तो ये थी अर्शद की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप अर्शद के फैन हैं तो इस वीडियो कर दो लाइक और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस एक्टर पर देखना चाहते हैं आप। डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड वी होप दैट यू लाइक आवर वीडियोस एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू विजिट आवर वेबसाइट celebritynews.blogspot.com व्हिच इज शोन इन द वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर।